हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट। अपने इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें फाइंड करना है, इसमें फ्रेंड्स 15 क्वेश्चंस गिवन हैं। एक्सरसाइज 2B है फ्रेंड्स, क्लास 7 की बुक है मैथ्स की, RS अग्रवाल की, चैप्टर 2 है फ्रैक्शंस। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स थर्ड नंबर क्वेश्चन से। इसके पहले के फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने इसके पहले वीडियोज़ में सॉल्व करके अपडेट किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अपने इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के सारे मीन्स 15 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे गिवन है 1/3 ऑफ 24। स्टार्ट करते हैं इस तरह से, सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया है, 1/3 ऑफ 24 हमें फाइंड करना है। देन क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 24। ओके फ्रेंड्स, 24 है तो यहाँ पे हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं। देन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर से होगा एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर से होगा। देन हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू 24 जो कि 24 हो जाएगा एंड 3 इंटू 1, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24। देन हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, 8 1 जा 8 एंड 1 1 जा 1 मीन्स 8 हो जाएगा यहाँ पे आंसर, 8/1 होगा, जिसको हम 8 भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे हमें फाइंड करना है 3/4 ऑफ 32। 32 का 3/4 फाइंड करना है, मीन्स 3/4 इंटू 32 हो जाएगा यहाँ पे। फिर से इसे हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू 32/1। ओके फ्रेंड्स, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से होगा अपॉन में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, उसे हम कर सकते हैं, 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा 32। देन हमें क्या मिल गया है, 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24 एंड 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 24/1, इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 24 मीन्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा 24। 3/4 ऑफ 32 इज इक्वल टू 24। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। इसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे गिवन है इसमें 5/9 ऑफ 45। ओके फ्रेंड्स, सेम इसी तरह प्रोसेस, 5/9 इंटू 45, इसको अगेन हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, 5/9 इंटू में 45/1 हो जाएगा। इसके बाद न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डिनोमिनेटर से। यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल होंगी, उसे हम कर सकते हैं, 9 1 जा 9 9 5 जा 45। देन 5 इंटू 5 हो जाएगा 21 अपॉन में 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। देन यहाँ पे आंसर हो जाएगा 25। ये हो गया फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह से हमने सॉल्व किया है। इसके बाद फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे गिवन है 7/50 ऑफ 1000 हमें फाइंड करना है, इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 7/50 इंटू में। यहाँ पे फ्रेंड्स अब हम ये स्टेप हमने स्किप कर दिया है, थोड़ा सा हम फास्टेस्ट वे में सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट ये स्टेप लिख देंगे, 1000/1 लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से हो जाएगा। देन हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, 7 इंटू 1000/50 इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 एंड 0 as it is। देन हमें क्या मिला, 7 इंटू 20 आ गया यहाँ पे, 140/1 में है 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। देन यहाँ पे आंसर हो गया 140। इस तरह से फ्रेंड्स हमने इसे सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद फ्रेंड्स इसी स्पेस पे यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें गिवन है, हमें फाइंड करना है 3/20 ऑफ 1020। ओके फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, इसको फ्रेंड्स फिर से एक स्टेप हम स्किप करके लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, 3/20 ऑफ 1020 हमें फाइंड करना है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1020 यहाँ पे। यहाँ पे अब हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, 0 से 0 कैंसिल हो गया है, 2 1 जा 2
टू फाइव जा टेन एंड टू वन जा टू, देन हमें क्या मिल गया है 3 × 51। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, 3 × 1 = 3 एंड 5 × 3 = 15, 153 ये मिल गया है हमें आंसर। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे गिवन है फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन में 5/11 ऑफ ₹220। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ₹220 है, रुपीज़ में आ जाएगा हमारा आंसर। क्या किया हमने, 5/11 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 220, देन जो भी आंसर आएगा वो रुपीज़ रहेगा। सॉल्व कर लेंगे, 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22 एंड 0 एट इज एज इट इज़ रहेगा, देन हमें क्या मिल जाएगा 5 × 20 रुपीज़। 5 × 20 होता है फ्रेंड्स 100, 100 रुपीज़ यहाँ पे हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से 6 नंबर क्वेश्चन तक हमने अभी सॉल्व कर लिया है फ्रेंड्स। इसमें टोटल 15 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं फ्रेंड्स। गिवन है यहाँ पे 4/9 ऑफ 54 meters। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसे फाइंड करते हैं। 4/9 ऑफ 54 meters, इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 4/9 × 54, आंसर आ जाएगा हमारा मीटर में, यहाँ शॉर्टकट में हमने लिख दिया है। देन इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 × 1 = 9, 9 × 6 = 54, 4 × 6 आ जाएगा 24 एंड यूनिट आ जाएगी यहाँ पे मीटर्स, 24 meters, ये हो गया हमारा आंसर। 4/9 ऑफ 54 meters इज इक्वल टू 24 meter। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। गिवन है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में 6/7 ऑफ 35 liters। ओके फ्रेंड्स, 6/7 ऑफ 35 liters, इसको हमने लिखा है 6/7 × 35 एंड लीटर, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, 6 × 5, 6 × 5 liter हो जाएगा एंड 6 × 5 = 30, 30 liter हो गया यहाँ पे हमारा आंसर। इस तरह से ये हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए, 7 और 8। इसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन में गिवन है फ्रेंड्स यहाँ 1/6 ऑफ एन आर। ओके फ्रेंड्स, 1/6 ऑफ एन आर। ओके फ्रेंड्स, एज वी नो 1 घंटे में 60 मिनट्स होता है, 1 hour = 60 minutes। देन हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 1/6 × 60 minutes। ओके फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 × 1 = 6, 6 × 10 = 60, 1 × 10 = 10 minutes, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने इसे शॉर्टेस्ट वे में सॉल्व किया है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आ सकता है, या जो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किया है इस तरह से भी हम इसे थोड़ा सा लेंदी बना सकते हैं सॉल्व करके। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पे गिवन है 5/6 ऑफ एन ईयर, जिसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 5/6 ऑफ एन ईयर। एक ईयर में फ्रेंड्स 365 days होते हैं, सो यहाँ पे हम इंटू करेंगे 365 और डेज। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बता सकते हैं कि वन ईयर
इज़ इक्वल टू 365 डेज। हमने ये डेज़ में कैलकुलेट किया ईयर, तो हमारा आंसर भी डेज़ में ही आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे अब फ्रेंड्स यहाँ पे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, 6 से कैंसिल नहीं होगा ये, यहाँ पे हम डायरेक्ट 3 मल्टीप्लीकेशन करके डिवाइड भी कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स यहाँ पे हम ईयर है तो हम इसको डेज़ की जगह मंथ्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम मंथ में कैलकुलेट करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को फिर से एक बार करेंगे। फाइव अपॉन सिक्स ऑफ एन ईयर है, इसको हम लिख सकते हैं 5/6 इंटू 12, एक ईयर में 12 मंथ होता है तो मंथ हो जाएगा यहाँ पे 12 मंथ्स। यहाँ पे हम बता सकते हैं 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे लिख लेंगे 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, देन हमें क्या मिल गया 5 इंटू 2 मंथ्स, 5 इंटू 2 आ गया 10 मंथ्स, मीन्स यहाँ पे मंथ्स में आ गया हमारा आंसर, ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर। बुक में हम चेक भी कर सकते हैं आंसर डेज में गिवन है या मंथ्स में। एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 3 का 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे फ्रेंड्स मंथ्स में गिवन है, ये सही आंसर है हमारा 10 मंथ्स। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, गिवन है 11 नंबर क्वेश्चन में 7/20 ऑफ अ किलोग्राम। ओके एज वी नो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 kg की जगह 1000 ग्राम, 7/20 इंटू 1000 ग्राम्स में हो जाएगा हमारा आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे अब, 21 जा 20, 25 जा 100 एंड 0 एज इट इज़ हो गया 7 इंटू 50 ग्राम्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर 7 इंटू 5 35 एंड 0 एज इट इज़ 350 ग्राम्स। ओके फ्रेंड्स ये हो जाएगा आंसर 7/20 ऑफ अ किलोग्राम इज इक्वल टू 350 ग्राम्स, ये हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, इसके बाद फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन और बचेंगे 12 के बाद 13, 14 एंड 15। 12 नंबर क्वेश्चन में गिवन है 9/20 ऑफ अ मीटर, यहाँ पे अब मीटर है यूनिट, इसको एज वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स देन यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 9/20 इंटू 100 और आंसर हमारा आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने यहाँ पे मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर पुट किया है। इसको सॉल्व कर सकते हैं 21 जा 20 एंड 25 जा 100, देन हमें क्या मिलेगा 9 इंटू 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 9 5 जा 45 सेंटीमीटर, ये हो गया फ्रेंड्स इसका आंसर। चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स हम आंसर शीट से हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 का, 11 में है 350 ग्राम्स और 12 में है 45 सेंटीमीटर। ओके इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, जहाँ पे गिवन है 7/8 ऑफ अ डे। ओके फ्रेंड्स सो डे में क्या होता है 24 आवर्स होते हैं, तो हम वो लिख सकते हैं 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। अब हमने यहाँ पे डे की जगह
24 आवर्स, आवर्स यूज़ किया तो हमारा आंसर भी आवर्स में ही आएगा। यहाँ पे हमने लिखा है 7/8 × 24, 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, देन 7 × 3 आवर्स, दैट मीन्स 21 आवर्स। ये हो गया आंसर। 7/8 ऑफ अ डे इज इक्वल टू 21 आवर्स। एक दिन का 7/8 जो है वो 21 आवर्स होता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहाँ पे गिवन है 3/7 ऑफ अ वीक। ओके फ्रेंड्स, सो वीक को हम क्या लिख सकते हैं, डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एज वी नो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। अब हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 3/7 ऑफ 7 डेज इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक स्टेप यहाँ से हमारा क्वेश्चन बढ़ जाएगा। 3/7 × हम इसको 7 लिख सकते हैं, हमारा आंसर डेज में आएगा। इसको फ्रेंड्स हम कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसके बाद एक स्टेप इसको हम और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3/7 × 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं, डेज रहेगा यहाँ पे। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से होगा एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से होगा। 7/1 = 7, 7/1 = 7, देन क्या मिल गया, 3 × 1 = 3, 1 × 1 = 1। ये डेज में रहेगा हमारा आंसर जो है, 3/1 डेज। इसको हम लिख सकते हैं 3 डेज, ये हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर। इसको फ्रेंड्स हमने लेंथी वे में सॉल्व किया है। 3/7 ऑफ अ वीक इज इक्वल टू 3 डेज। इसके बाद फ्रेंड्स एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 15। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गिवन है 15 नंबर क्वेश्चन में, देख सकते हैं आप, 7/50 ऑफ अ लीटर। ओके, नाउ एज वी नो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे हम 1 लीटर की जगह जो है मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर पुट करेंगे, मीन्स 7/50 ऑफ 1000 मिलीलीटर। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, एंड 0 as it is हो गया। देन हमें क्या मिला, 7 × 20, 7 × 20 मिलीलीटर, दैट मीन्स 7 × 2 = 14, एंड 0 as it is 140 मिलीलीटर। ये हो गया फ्रेंड्स आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। इस तरह से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्वेश्चन 3 के एक्सरसाइज 2B से। आंसर हम चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर शीट से। 15 में है 140 मिलीलीटर, 14 में है 3 डेज, 13 में था 21 आवर्स। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सारे ही आंसर चेक भी कर लिए हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड आप इस तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं आगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा।